जिस प्रकार गुलाब की सुगंध गुलाब से निकलकर संपूर्ण बगीचे में व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य महापुरुषों की गुणों की सुगंध उनके पावन चरित्र से प्रफुल्लित होती हुई संपूर्ण संसार में व्याप्त हो जाती है। उनकी महानता उनकी दिव्यता ऐसी होती है कि उनके आगे समस्त संसार नतमस्तक हो जाता है। ऐसे ही आचार्य थे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिनकी दिव्यता का एक पावन प्रसंग भारत की विख्यात गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में पढ़ने को प्राप्त हुआ। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें हम सबके जीवन के लिए वरदान हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी बताते थे, जितना हो सके गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ा कीजिए, उनमें धर्म की सत्यता है, उनमें धर्म की निष्पक्षता है, उन पुस्तकों में भारत का संपूर्ण इतिहास है। और संपूर्ण इतिहास कैसे, बिल्कुल सच्चा इतिहास है। उसमें भक्तों की कथाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं। ऐसी अनेक पुस्तकें पूज्य सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज स्वयं मंगाकर भक्तों को वितरित किया करते थे। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि हमें तो गुरु कृपा से वह पुस्तकें प्राप्त हुई, पर आप जहाँ कहीं भी हैं गीता प्रेस की पुस्तकों को अवश्य पढ़ा कीजिए, क्योंकि वह पुस्तकें जीवन के लिए अमूल्य वरदान हैं। हमारे जीवन में कोई दिक्कत है, मुसीबत है, यह पुस्तकें हमें राह दिखाती है। उसी गीता प्रेस गोरखपुर की संस्था द्वारा 2011 के दान अंक में सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के विषय में एक प्रसंग प्रस्तुत किया गया। कितना अद्भुत संयोग है ना, जिस वर्ष 2011 में सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की महिमा का प्रसंग उस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया, उसी वर्ष आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का 125वां जन्म उत्सव द्वारका में सद्गुरु महाराज के सानिध्य में मनाया गया था। वह 125वां वर्ष था और सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी की महिमा जो गीता प्रेस पुस्तक में छपी, वह इस प्रकार थी कि एक बार आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन अमरापुर दरबार पे मेले का आयोजन था। बहुत संख्या में लोग भोजन करने आ रहे थे। एक वृद्धा जो निराशित थी, बड़ी गरीब थी, वह भी भोजन करने आई। जब वह भोजन खाने लगी तो उसके मन में यह भाव हुआ कि भोजन खाने के पश्चात जो मुझे यह बर्तन मिले हैं, मैं इन बर्तनों को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर उसने वह बर्तन उस मिट्टी के नीचे दबा दिए जहां बैठकर वो भोजन कर रही थी। तभी किसी सेवादारी ने उस माता को बर्तन छुपाते देख लिया। वह सेवादारी भगते हुए आचार्य श्री के पास गया और कहने लगा, हे गुरु महाराज, वह जो वृद्ध स्त्री है ना, उसने बर्तन छुपा दिए हैं। सद्गुरु महाराज ने कहा, यह बात किससे कहिएगा नहीं, आपने मेरे को बताया है सब। अब आप जाइए, उस वृद्ध माता को मेरे पास लेकर आइए। वह सेवादारी माताजी के पास गया और कहने लगा, आप चलिए, आपको गुरु महाराज ने याद किया है। वह माता पहले तो भयभीत हो गई कि हो सकता है सद्गुरु महाराज मुझे डांटें, मुझ पर क्रोध करें, पर फिर मन में खुशी हुई कि जिन महापुरुषों का दर्शन करने के लिए लोग इतना दूर दूर से आते हैं, वह स्वयं मेरे को बुला रहे हैं, अवश्य मेरे भाग का उदय हुआ है। ऐसा सोचकर वह सद्गुरु महाराज के पास गई। सद्गुरु महाराज ने उन्हें करुणा की दृष्टि से देखा और कहने लगे, अम्मा, आपको यह पुराने बर्तनों की क्यों आवश्यकता है, आप भोजन कीजिए आराम से, मैं आपको नए बर्तन देता हूँ। ऐसा कहकर सद्गुरु महाराज जी ने सेवादारी के द्वारा नए बर्तन मंगाए और पुराने बर्तन भी देकर माता से कहा, माता, किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य कहिएगा।
सद्गुरु महाराज ने नए बर्तन दिए, पुराने बर्तन भी माता को रखने के लिए दिए और घर परिवार के लिए इतना भोजन दिया, इतना अनाज दिया। कहा, माता आप किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे आके बताइएगा, तुम्हें यह चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु महाराज की यह उदारता देखकर माता गदगद हो गई, कहने लगी, महाराज मैं धन्य हो गई आप जैसे महापुरुषों का दर्शन पाकर। इस प्रकार इस कथा का उल्लेख गीता प्रेस गोरखपुर के दान अंक में किया गया। इसके पश्चात एक अन्य कथा भी सद्गुरु महाराज के बारे में लिखी गई। भंडारा चल रहा था आश्रम पर, बहुत दीन नारायण गरीब लोग भोजन पा रहे थे। तभी अचानक से सद्गुरु महाराज उधर से गुजरे तो किसी गरीब ने उल्हाना देते हुए कहा, अरे जब भोजन नहीं खिला सकते हो तो भंडारा करते क्यों हो? सद्गुरु महाराज विचार करने लगे, हुआ क्या है? भंडारे में नियुक्त सेवादारी को अपने पास बुलाया और पूछने लगे, क्या बात है, यह इतना नाराज क्यों है? तब सेवादारी कहने लगे, महाराज जो भंडारा बना था वह पूर्ण हो चुका है, अभी और भंडारा बनाया जा रहा है, जब तक वह तैयार हो तब तक यह रुकते नहीं। सद्गुरु महाराज ने कहा, अधिक से अधिक मात्रा में भोजन बनाओ, जैसे कोई भी आश्रम से भूखा ना जाए। तब वह सेवादारी कहने लगे, महाराज इन सब ने भोजन कर लिया है और इन सब लोगों ने अधिक मात्रा में भोजन रख भी लिया है, उसके बाद भी यह और अधिक भोजन लेना चाहते हैं। तब सद्गुरु महाराज सेवादारी से कहने लगे, एक बात बताइए, इन्होंने भोजन कर लिया है और आप कह रहे हो इन्होंने भोजन अपनी पोटली में भर लिया है, अब बताइए यह भोजन का करेंगे क्या? तब वह सेवादारी कहने लगा, महाराज यह पहले तो यहाँ पर खाते हैं, इसके अलावा जो भोजन और होता है उसे भरकर अपने घर ले जाते हैं, फिर इन चावलों को घर पे सुखाकर धीरे धीरे खाते हैं। फिर सद्गुरु महाराज ने प्रेम से कहा, अरे यह यहाँ पे भी भोजन करते हैं और गरीब लोग हैं, दीन नारायण हैं, यही तो परमात्मा के प्यारे हैं, यह चावल अगर घर लेकर भी जाएंगे तो उसका सदुपयोग ही करेंगे, उसे घर जाकर खाएंगे, तुम्हें मना करने का अधिकार नहीं है। सद्गुरु महाराज की यह बात सुनकर वह व्यक्ति जिसने गुरु महाराज जी को उल्हाना दिया था, अगर भंडारा नहीं चला सकते हो तो करते क्यों हो, उसका मन भर आया। वह दौड़ता हुआ सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने अज्ञानवश आपको उल्हाना दे दिया। गुरु महाराज ने उसे अपने हाथों से उठाकर कहा, अरे ऐसा नहीं, यह सब भोजन परमात्मा का दिया हुआ है, यह परमात्मा ही तुम्हारे तक पहुंचा रहा है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। इतनी बड़ी पदवी होने के बाद भी मन में इतनी निर्ममता कि देने वाला भी परमात्मा है, सब कुछ करने और कराने वाला भी परमात्मा है, जब हृदय का भाव इतना पवित्र बन जाता है ना, तभी महापुरुषों की महानता और दिव्यता की गाथा बड़े बड़े शास्त्रों और पुराणों में कही जाती है। जिस प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर के दान अंक में सद्गुरु महाराज की महिमा गाई गई, मैं देख रहा था उस पुस्तक के बारे में 2,00,000 प्रतियां छपी थी। मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई जब 2,00,000 पुस्तकों के अंदर आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के गुणों का वर्णन किया गया। तो ऐसे महापुरुष आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जो उदारता की साक्षात मूर्ति थे, ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज कहते थे, अपने दिल को हरदम खुला रखो, कोई गरीब आपके पास आ जाए तो उसे दिल से दान दो, मन में घबराओ नहीं। सद्गुरु महाराज जी की वाणी का एक भजन है, दीनों को तुम दान दिल से दिया करो, देने से धन बढ़ता जाए, एक देवे सो दश को पावे, निश्चय करके जान दिल से दिया करो, दान देने में विलंब न कीजे, मन पर कबहू ना ही पतीजे,
चंचल मन पहचान दिल से दिया करो, दानी कबहू नरक न जावे, मर कर सीधा स्वर्ग से धावे। सुर मुनि दे सन्मान दिल से दिया करो, कहटे ऊं कर दान सुजाना, मानुष का कर्तव्य दे दाना। ब्रह्मा का व्याख्यान दिल से दिया करो, दीनों को तुम दान दिल से दिया करो। सद्गुरु महाराज जी का यह स्वभाव था, यह परमात्मा का ही दिया हुआ है और परमात्मा को ही सेवा के द्वारा पुनः परमात्मा के लिए ही लौटाना है। तो ऐसे आचार्य वंदनीय सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिनकी उदारता का पावन प्रसंग विश्व की गरिमामय संस्था गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया गया, ऐसे आचार्य वंदनीय सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।